दीजे साथ और पोता तो मने ऐसो दीजे दीजे फूल गुलाब मारा द्वारिका रानाथ मारा चार भुजारा नाथ। हे प्रभु कृपा एकादशी भूमि का शयन करो, पत्तल पर भोजन करो और जले हुए भोजन का त्याग करो। देवराज ने केवल शिव महापुराण के महत्तम शब्द को स्मरण किया और महत्तम शब्द का स्मरण कर देवराज आनंद करते करते ताप इतना पड़ा, देवराज भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकला, कुछ ही दूर पर गया था। जाने के बाद देवराज के प्राण छूट गए। महाराज प्राण छूटे, भगवान शंकर का गण बनकर भगवान शिव के धाम को चले गया। देवता आनंद की अनुभूति करने लगे, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया और ब्राह्मण ना कर्म करने के बाद भी भगवान की भक्ति में डूब गया। राजा श्वेत का चरित्र आप लोग सुने होंगे। राजा श्वेत जो भगवान शिव की आराधना में डूबे नहीं रहते, दिन रात भगवान शंकर की आराधना, शिव जी का स्मरण करना, शंकर का भजन करना, शंकर की स्मरण करना, शंकर भगवान को ले जाकर जल चढ़ाना। सारे 33 कोटि देवताओं में केवल एक देवदेव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी मस्ती में रहते हैं महाराज, और दुनिया के लोग उनके भगत भी ऐसे हैं। जब फुर्सत, जब फ्री, तब लोटा में पानी भरा, शंकर जी को ले जाकर चढ़ा दिया। और कहीं कहीं के तो इतने आलसी कि मंदिर का ही लोटा, कलश भी मंदिर का, शंकर भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का, वहीं से भर के वहीं उठा उठा के चढ़ा दे। शंकर भगवान भी मन में सोचे, आई काय को तेरे घर ही आ जाता, वहीं चढ़ा देती, इतना भी कष्ट काय को करा। सबसे सरल महाराज, पहले के समय में दो दोष नहीं होते थे घर में, एक पितृदोष, दूसरा वास्तु दोष। होता था क्या? पहले घरों में दो दोष नहीं होते थे, ना पितृ दोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते समय कहते हैं वास्तु के हिसाब से मकान बनाना, वास्तु के हिसाब से घर बनाना। तो पहले के जमाने में तो लोग मकान बनाते हैं, जिसका मन होता था, पिताजी का मन होता, यहाँ बाथरूम बना दो, वहाँ बाथरूम बना दी, यहाँ पर ये बना दो, हॉल बना दो, हॉल बना दिया, जहाँ रसोई घर बनाना है वहाँ रसोई घर बना दिया। पिता का मन, घर के लोगों का मन, बुजुर्ग का मन वहाँ बना देते थे। पर आज के जमाने में मकान पूछ पूछ कर बनाया तो भी घर में रत्ती भर की शांति नहीं, घर में रत्ती भर की लक्ष्मी नहीं, घर में रत्ती भर का सुकून नहीं। घर से बाहर रहती शांति रहती, घर के जैसी अंदर घुसी वैसी अशांति चालू। फिर किसी को बुलाया, हमारे घर में क्या हो गया? वास्तु दोष, पितृ दोष। पहले के जमाने में दो दोष नहीं होते थे, ना पितृ दोष होता था ना वास्तु दोष होता था। क्यों? क्योंकि घर के लोग घर के मटके में से, अंडे में से, परिंडे में से, मटके में से पानी लेते थे और पानी ले जाकर अपने घर में से लेकर जाकर शंकर को चढ़ाते थे। तो घर का जो मटका होता है, पानी भरने का जो मटका पात्र होता है, वो पितरों का स्थान होता है। और घर में से जब पानी लेकर जाते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष उस पानी के अंदर जाता था, और घर के मटके में से पानी ले जाते थे तो पितृदोष उसमें समाहित होकर चला जाता था। शंकर को चढ़ाने से वास्तु दोष और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाता था महाराज, दोनों। अब आज के जमाने में घर का पानी कोई चढ़ाता ही नहीं है, इसीलिए घर में दोनों दोष लगे। जल समर्पित, पानी समर्पित, समर्पण, बिना समर्पण के श्रेष्ठता नहीं है। समर्पण की शुद्धता का भाव हो, भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर की कथा वर्णन कर रही है महाराज, भूत बावन भूतेश्वर देवराज का चरित्र कह रहा है। फिर आगे जो चरित्र का वर्णन किया है, भगवान शंकर के आनंद में जो चरित्र का वर्णन किया, एक बिंदुग नाम का ब्राह्मण धन लेकर आता था, धर्मपत्नी को देता था, धर्मपत्नी नहीं पत्नी को देता था। धर्मपत्नी और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। वेद व्यास जी ने गांधारी के नाम के आगे पत्नी लिखा है, किन्ने? वेद व्यास जी ने क्या लिखा? गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी लिखा। क्या नाम लिखा है जम के बताओ? धर्म पत्नी मंदोदरी। और वेद व्यास जी लिख रहे हैं गांधारी के लिए पत्नी गांधारी। कितना अंतर है?
वो धर्म पत्नी, ये पत्नी। तो क्यों लिखा? क्योंकि धर्म पत्नी और पत्नी में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी वो होती है जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को सिनेमा घर ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को मायके ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को शॉपिंग मॉल ले जाती है, पत्नी वो होती है जो पति को घुमाने फिराने ले जाती है, और धर्म पत्नी वो होती है जो पति को शिव महापुराण की कथा में लाती है। वो धर्म पत्नी, धर्म पत्नी वो होती है जो पति को धर्म के पथ पर लेकर जाए। धर्म पत्नी मंदोदरी धर्म पत्नी है, साधारण नहीं थी। याद रखिए, एक बार माता सीता जब विवाह कर अयोध्या में आई, माता जानकी जब विवाह कर अयोध्या में आई, माता जानकी ने 8 रात्रि तक अयोध्या का पानी नहीं पिया। माता सीता ने भोजन नहीं करा, अयोध्या का पानी नहीं पी रही है, भोजन नहीं कर रही है। जब अयोध्या का पानी माता सीता ने नहीं पिया, सीता जी से पूछा कौशल्या जी ने, तू अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती? मां बस मन नहीं कर रहा। सुमित्रा जी ने पूछा, नहीं पूछा। दशरथ जी ने पूछा, सीता नहीं बोली, केकई आई, उसने पूछा, क्या बात है बहू, तू अयोध्या का पानी क्यों नहीं पीती, अयोध्या का भोजन क्यों नहीं करती, क्या बात है? इतने में माता सीता ने कहा, मां मेरी रोज सासुएं आकर पूछती हैं मैं पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती, मेरे ससुर आकर पूछते हैं मैं पानी क्यों नहीं पीती, भोजन क्यों नहीं करती। इतने में सीता जी ने माता केकई से कहा, मां मैं अयोध्या का पानी इसलिए नहीं पीती, मैं अयोध्या का भोजन इसलिए नहीं करती, क्योंकि मेरे पिता जनक जी कहते हैं जिस घर में भांजे की हत्या हुई हो उस घर का ना तो पानी पिया जाता है ना भोजन किया जाता है, मेरा ससुरा भांजे का हत्यारा है, मैं भोजन नहीं करूंगी, मैं पानी नहीं पीऊंगी। केकई ने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया, बहू वाणी को विराम दे, कैसे शब्द बोल रही है, तेरे ससुर ने कभी चीटी नहीं मारी और तू कह रही है भांजे की हत्या कर दी। अग्नि की तरह बात पूरी अयोध्या में फैल गई। जैसे अयोध्या में बात फैली, दशरथ जी के कानों में शब्द गया कि मेरी बहू ने मुझ पर भांजे की हत्या का दोष लगाया है। शब्द पढ़ते ही दशरथ जी को चरित्र याद आ गया, जब पहुंचा सरयू तीर भरन को नीर, विपत्ति का मारा जल भरने गया बेचारा, श्रवण पानी को आया था वो जल में तुम भी डुबोया था, अरे धोखे से मारा बाण कलेजा फाड़ा जल भरने गया बेचारा। तब श्रवण कुमार ने दशरथ जी को देखकर कहा था, मामा जी भेद बता देना, पितु मात को नीर पिला देना, मेरे पांव पड़ी जंजीर हुआ अंधियारा जल भरने गया बेचारा। तब दशरथ जी ने पूछा, तूने मुझे मामा कैसे कह दिया, मैं तेरा मामा कैसे? श्रवण कुमार कहते हैं, मामा जी मेरी माँ से रोज पूछता था, माँ मेरे मामा कैसे लगते हैं, मेरे मामा कैसे लगते हैं, तो मेरी माँ ने कहा था तेरे मामा के मस्तक पर सूर्य वंश का तिलक है, आज आपके माथे पर तिलक देखा इसलिए आपको मामा कह दिया। ये कंपनी का ट्रेडमार्क है कि कौन सी ब्रांड के हो, इससे ब्रांड का पता चलता है। त्रिपुण लगा है शंकर वाला, यूमार का तिलक है कृष्ण वाला, 3 लगे हैं नारायण वाला, बिंदी लगी है लाल देवी जी वाला, काली बिंदी लगी है निम्बार्क वाला, पहचान में आता है। सफेद तिलक के अंदर काली बिंदी विठल वाला, पहचान में आता है कौन सी कंपनी का है। 2 चीजें कंपनी की होती है, एक तुलसी की माला, गल मस्तक का तिलक। आजकल मृत्यु का ठिकाना नहीं, कब मौत आ जाए, कब प्राण छूट जाए, कोई भरोसा है क्या कि कब प्राण छूट जाए? मालूम पड़े प्राण छूटे और मुंह से राम नाम नहीं निकला, भगवान का भजन नहीं निकला, तो नरक पड़ जाओगे। इसलिए गले में तुलसी की माला हो या मस्तक पर तिलक हो, अगर प्राण छूट भी गए, राम नहीं भी निकला, हरि विट्ठल नहीं भी निकला, शंकर का नाम नहीं भी निकला, और मर गए, तो मरने के बाद यम के दूत अगर बंदी बनाने आएंगे, तो यम के दूत जब बंदी बनाने आएंगे माथे पर त्रिपुण लगा देखेंगे, तो यम के दूत पहचान जाएंगे कि अपनी कंपनी का माल नहीं है, शंकर जी की कंपनी का है, वही लेकर एक CFL का बल्ब अगर बेकार निकल जाता है तो कंपनी का माल वापस कंपनी में जाता है। उसी तरह अगर त्रिपुण लगा गया तो वापस तुम शंकर जी के धाम में पहुंच जाओगे। और मान लो किसी किसी का लेवल भी मिट जाता है तो नीचे सील लगी हुई है, गले में तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला पड़ी है, तो भी यमदूत खेल पहचान जाएंगे इसके गले में माला पड़ी है, ये तो भगवान के दरबार में जाए। अब भगवान दशरथ जी के मस्तक पर तिलक देखा, श्रवण कुमार ने मामा कह दिया। मेरी माता को जल पिलाना,
श्रवण कुमार के माता पिता के पास में दशरथ जी पहुंचे, दशरथ जी की आंख में आंसू भर गया कि यहां तो मेरी बहन बैठी है सुहांगी। दशरथ जी की एक ही बहन थी जिसका नाम था सुहांगी, जो शांति मुनि के साथ बिहाई थी। यहां मेरी बहन बैठी है, देखा आंख का आंसू दशरथ जी का बहन के पांव पर गिर गया। बहन ने कहा भैया आप? हाँ, तुम्हारे भांजा आने वाला है। भांजा है। वो जल लेने गया है। दशरथ जी ने पूरा चरित्र सुना दिया, पूरा चरित्र। इतने में जमाई ने श्राप दे दिया, दशरथ मैं अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहा हूं, तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा। आज दशरथ जी को वो चरित्र याद आया कि मेरी बहू गलत नहीं कर रही है, मेरे हाथों से भांजे की हत्या हुई है। विश्वामित्र जी जाकर पूछो क्या करा जाए कि भांजे की हत्या का दोष मिट जाए। विश्वामित्र जी ने कहा 10,000 ब्राह्मण को एक जगह पर बिठाकर भोजन कराओ, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। वैसा पूछा सीता से, करा दें? सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने यह नहीं बताया। कई कई बहुएं होती हैं मायके के मेथड से चलती हैं, सास उनको बताती है कि तिल्ली का लड्डू ऐसे बना तो नहीं बनाएगी, माँ ने जैसा बताया वैसी बनाएगी, मेरी मम्मी ने तो ऐसा बताया वैसी करेगी। जैसे सीता जी ने कहा मेरे पिताजी ने ही नहीं बताया, तो तुम्हारे पिताजी ने क्या बताया? सीता जी कहती है मेरे पिताजी ने बताया कोई ऐसा ब्राह्मण जिसने ना कभी किसी के घर खाया हो ना पानी पिया हो, किसी के घर में मुंह झूठा ना करा हो, ऐसे ब्राह्मण को घर में बिठाकर भोजन करा दो, दक्षिणा देकर विदा कर दो, भांजे की हत्या का दोष मिट जाएगा। दशरथ जी ने पूरी अयोध्या में देखा, ऐसा ब्राह्मण नहीं मिला। पत्र लिखा जनक जी को, संधि जी सगा जी तुम्हारे यहाँ कोई ब्राह्मण हो तो बता दो। संधि जी बोले हमारे यहाँ भी कोई ब्राह्मण नहीं है, अपनी करमाला में ऐसा कहीं का ब्राह्मण हो तो बता दो रे, जिसने ना कभी किसी के अगर खाया हो ना पानी पिया हो, पूरी पृथ्वी पर ब्राह्मण देखा तो नहीं मिला। तब जनक जी ने पत्र लिखकर भेजा दशरथ जी को, दशरथ जी पूरी पृथ्वी पर ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलेगा, पूरी पृथ्वी पर केवल एक ब्राह्मण ऐसा है, ना उसने किसी के घर खाया ना पानी पिया, उसका नाम लंका का राजा रावण है। क्योंकि रावण को कोई घर में भोजन करने नहीं बुलाता, पानी पीना नहीं बुलाता, उसको तुम बुलाइए, वो ब्राह्मण है। दशरथ जी ने पत्र लिखा, श्रीमान रावण जी महाराज आप हमारे यहाँ एक समय भोजन के लिए पधारो। वो पत्र मंदोदरी के हाथ लग गया, और मंदोदरी रावण की कौन है? जम के बोलो, धर्म पत्नी। अब धर्म पत्नी क्या करती है देखो, धर्म पत्नी पहुंची रावण के पास, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण कहता है मैं ब्राह्मण कर्म तो करता हूं, शंकर जी की पूजन करता हूं, जनेऊ पहनता हूं, त्रिपुंड लगाता हूं, यह ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा ब्राह्मण कर्म से नहीं कहते, ब्राह्मण कर्म वो होता है जजमान के यहाँ भोजन करने जाओ, दक्षिणा लेकर आओ। इतने में रावण हंसकर बोला मेरे जैसे दशानंद को कौन भोजन कराएगा, किसको अपने खजाने खाली करना है? मंदोदरी बोली फालतू की बात छोड़िए, ऐसे जजमान बहुत हैं जो भोजन कराएंगे, आप जाओगे? रावण बोला तू नाम बता मैं चले जाता हूं, जाइए, राजा दशरथ ने तुम्हें भोजन करने बुलाया है। रावण ने अपने मस्तक के मुकुट को जमीन पर रख दिया, क्योंकि रावण बड़ा विद्वान था, उसको मालूम था अहंकार का मुकुट पहनकर जाऊंगा तो मुझे राम नहीं मिल पाएगा, अहंकार छोड़कर जाऊंगा तो राम मिलेगा, मुकुट जमीन। रावण गया किसके कहने पर? अरे बोलो जमके, तो तुम कब कहोगी? वो तो मंदोदरी थी, उसने कहा जाओ राम जी के दरवाजे, तो तुम भी रोज जाके बोलोगे कि नहीं बोलोगे? चलो। वो पूछे कहाँ कथा हो रही है? 7 दिन में एक दिन तो धर्म पत्नी बन जाओ, मेरा निवेदन इतना सा है, उनको भी साथ लेकर, और जो न्याय तो निवेदन है, जो कथा सुनने न्याय माताओं उसको पूरी कथा यहां से जाकर पूरी पूरी सुना। इंदौर की कथा याद आ गई हमको, गुमास्ता नगर में कथा थी, हमने कहा जितनी कथा यहाँ सुनकर जाओ सारी कथा घर पे सुना। एक नई नवेली बहू 3 महीने हुए थे शादी के, 3 महीने शादी के, वो रोज जाए कथा सुनाए। एक दिन वो हमारे पास आकर बोली गुरुजी आज मेरा सेठ आया है, पति आया है। मैंने कहा बेन आखिरी में मिलवाना, बेलपत्र देंगे हो, आखिरी में मिलने आए।
हमने बेलपत्री दी, हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आए, आज चौथे दिन कैसे आ गए? उसने कहा गुरुजी सही बोलूं? मैंने कहा बोल कि गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 3 से 6 सुन लूं, क्योंकि पूरी रात बैठ के ये कथा ही सुनाती रहती है। तो तुम भी नियम ले लो, यहां से जाने के बाद पूरी पूरी कथा। ए जी पांव दबा दबा के गला नहीं, पांव पूरी पूरी कथा कथा। मंदोदरी ने भेज, धर्म पत्नी भेजी और मंदोदरी ने भेजा। पहुंचे रावण, दशरथ जी को मालूम पड़ा लंकाधिपति रावण आया, ब्राह्मण आया है। दशरथ जी तुरंत आए, दशरथ जी ने आकर रावण के चरण धोए। राम जी ऊपर छत पे खड़े हुए देख रहे थे, आज मेरे पिता रावण के चरण धो रहे हैं। राम जी जान गए मेरे पिता ने रावण के चरण धोए हैं, तो एक दिन मैं भी इस रावण के चरण जरूर धोऊंगा, क्योंकि जैसा बाप करता है वैसी औलाद करती है, ये भी तो होता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा सुन शाम को गुरु जी आएंगे प्रणाम करना, हो हाओ। शाम को गुरु जी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने कहा प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने दो धर के दिया, बच्चा रोने लगा, माँ ही बेटा अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। माँ ने भी धो दिया, 4 धर के दिया, बच्चा रो। इतने में गुरुजी ने कहा काय को मार रहे हो कि प्रणाम नहीं कर रहा? गुरुजी बोले नहीं कर रहा तो मत करने, तो कम से कम तुम दोनों तो करो, तुम दोनों करो। अब जैसे ही माता पिता ने प्रणाम करा, बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर लिया। उनको देखकर हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। अरे बोलो तो युग बदलेगा, बदलो तो सही, कब बदलोगे? अरे बोलो तो बदलना जरूरी है। 2 चीज बहुत जल्दी बदली, एक घूंघट एक मेहंदी। पहले घूंघट यहां था, फिर अब तो बहुएं 2 बार घूंघट इतना जब लेती है, जब एक बार शादी करके आती है तब मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है, और एक बार घूंघट इतना जब लेती जब घर में डोकरा डोकरी बुढ़ा बुढ़ी मरे तब, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी आई नहीं, बट डिजाइन में ऐसा पल्लू करके रोती है बस। 2 बार 2 चीजें बहुत जल्दी बदली, एक घूंघट एक बार मेहंदी। मेहंदी यहां थी, पूना में कथा थी मंगलवार पेट में, तो हमने पूछ लिया एक बच्ची लगा के, हमने कहा तनु इधर आ, तो क्या हाँ गुरुजी ये तूने क्या लगाया? तो कि वो टेटू। हमने कहा कितने का लगवाया? कि 700 रुपये का। हमने कहा 700 रुपये तू गौशाला में देती तो बेचारी गाय 1 महीना चारा खाती, फालतू का पैसा खर्च करी आई, ऐसे तो कोई भी मना